नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है करनाल की, जहां ऑब्सेस्ट्रिशन और गायनाकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की ओर से एक बैठक का आयोजन करनाल के नूर महल में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के गायनाकोलॉजिस्ट ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में करनाल के मेयर ने मुख्य रूप से शिरकत की और सभी डॉक्टर को अपने क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया। एसोसिएशन की प्रदेश प्रेसिडेंट रागिनी ने बताया कि हमारा यह कार्यक्रम समाज के हित में चलाया गया है, जिसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें पहला कार्यक्रम अभिलाषा नाम से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि प्रवेश प्रसव के दौरान कोई भी माता की मृत्यु ना हो एवं माँ बनने के दौरान उनको जागरूक किया जाएगा, देखभाल करने के आवश्यक टिप्स भी दिए जाएंगे। रागिनी ने बताया कि दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी समझाओ कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, जिसमें लड़कों को उनको मानसिक तौर पर समाज में रहने के लिए आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी। तीसरा कार्यक्रम उड़ान नाम से शुरू किया गया है, जिसमें किशोरियों को सेक्सुअल हैरासमेंट व अन्य बातों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जो समाज में डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, उसके अंदर बड़ी समस्याएं आनी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर के साथ मारपीट होना, डॉक्टर से केस बिगड़ जाने पर उनके साथ बदतमीजी होना, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ आदि करना, जिससे डफ आर्थिक व मानसिक तौर पर काम करने लायक नहीं रह जाता। इसलिए एसोसिएशन द्वारा डॉक्टरों के मुद्दे भी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाए जाएंगे। इस अवसर पर निभा की ओर से स्टॉल लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया एवं प्रदेश भर से आए डॉक्टर को गो ग्रीन अभियान के अंतर्गत पौधे वितरित किए गए, ताकि वह अपने अपने क्षेत्र में लगातार वातावरण संरक्षण में अपना सहयोग दे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। वो घर जाने तक सोचता है, घर जाने के बाद सोचता है कि शायद मेरे डॉक्टर ने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, कभी मेरे मां ने किया होगा, और वही रूप आप में देखती हूं। अभी डॉक्टर रागिनी अग्रवाल जी ने जिस तरह से कहा, मैं मानती हूँ कि एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए ना दिन है ना रात है, ना संडे है ना मंडे है, आपके लिए हर समय अवेलेबल होना और आपको हर तरह से अपनी बेस्ट एफर्ट्स करके उस बच्चे को जन्म देना और उस औरत को बचाना, उसे समझाना, आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर रागिनी अग्रवाल से मैं कहना चाहूंगी कि काम अपनी संतुष्टि के लिए आप अच्छा कीजिए, रिजल्ट देना ये लोगों के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। काम तो मोदी जी भी बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं, पर अपनी संतुष्टि के लिए यदि आप अपना बेस्ट एफर्ट्स कर लेती हैं तो आपको लगेगा कि आपने अपना काम पूरा किया है, बाकी रिजल्ट जो मर्जी दे कुछ तो लोग करेंगे, कुछ तो लोगों ने कहना ही है, अच्छा कहने या बुरा कहने, पर अपना काम अच्छे से करना, अपनी जिम्मेदारी से करना, ऐसी सोच के साथ आप सब अपने प्रोफेशन को यदि अच्छे ढंग से करते हैं तो डॉक्टर से बड़ा कोई भी, मैं कहूंगी कि कोई भी सेवक नहीं हो सकता, समाज में मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर को यदि अपनी राय से भी और अपने किसी भी गरीब व्यक्ति को यदि सलाह दे दे, उसे मेडिसिन दे दे, तो सबसे बड़ी मदद उसके लिए हो सकती है। A very good project. It's a work for a kind cause and it is a need of today's time, because अगर हम plants ही नहीं plant करेंगे तो जो आजकल का जो हमारा time चल रहा है, जहाँ पर लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, deforestation हो रही है, जिसकी वजह से इतनी सारी calamities को हम face कर रहे हैं, तो वो prevent करने में go green, it will be very very helpful. So everybody should plant at least one plant in her or his lifetime. That should be our motive. And they are doing really a great job. All over India, they are planting trees and they are doing work for a selfless cause. So this is very good. आपको प्लांट दिया है, आप कैसे केयर करेंगे? मैं कैसे केयर करूंगी? मैं इसे अपने हमारे हमने अपने घर पर भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं और उसी में मैं अपना ये प्लांट लगाकर उसकी केयर, हम हमारे पास रेगुलर माली भी है और हम लोग खुद भी काफ़ी टेक केयर करते हैं। वी आर वेरी फोंड ऑफ
गार्डनिंग ऑल्सो। एनी मैसेज फॉर अदर? मैसेज यही है कि सभी को, खासकर हमें बच्चों को जरूर मोटिवेट करना चाहिए फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग यंग एज से ही, कि वो हमेशा हर साल एटलीस्ट अपने बर्थडे पर कोई भी स्पेशल ओकेजन है तो इधर उधर पैसा खर्च करने की बजाय, पार्टी करने की बजाय वो लोग प्लांट्स लगाएं लॉन्ग टर्म में, जो कि हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। व्हाट इज योर नेम? पार्डन, आपका नाम क्या है? आई एम डॉक्टर संतोष जैन एंड बिलोंग टू यमुना। गुणवत्ता सेवा हम पहुंचा सकेंगे और उनके लिए जो सबसे बड़ी बात होगी, बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स लेकर के आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन सालों में हमारा कनेक्शन सोसाइटी से टूट गया था, तो हम लोगों ने, सारी गायनोकोलॉजिस्ट ने मिलकर के सोसाइटी के लिए 3 प्रोग्राम बनाए हैं। एक प्रोग्राम का नाम है अभिलाषा, जिसमें कि हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जो कि एक नेशनल इंडिकेटर भी है, उस पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे हरियाणा में कोई भी महिला प्रसव के समय ना मरे। वो जो माँ बनती है तो वो माँ बनना उसकी एक मृत्यु में परिवर्तन ना करे, उसके लिए हम लोग सब मिलकर के उस दिशा में काम करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम छुटपन से ही बच्चियों को, किशोरियों को हम समझाएंगे कि भी आप अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो, तो उसके लिए हम एक किशोरों के लिए भी प्रोग्राम लेकर के आए हैं, उसका नाम है उड़ान। एक बहुत बड़ी सी बात है, हम लोग बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी समझाओ, लेकिन जब तक एक बेटा नहीं समझदार होगा कोई बेटी नहीं बचेगी। तो हमारा नारा जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटा समझाओ। तीसरा प्रोग्राम है मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति बेसिकली हमें महिलाओं को समझाना है कि आप माँ तभी बने जब आप माँ बनना चाहती हैं। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाओ, और उसके साथ साथ जो है उनको हम ये भी समझाएंगे कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। और इसके लिए करनाल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी, जिसको कि लीड कर रही हैं डॉक्टर मधु चौधरी, और उसके बारे में आगे वो बताएंगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।